لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي انزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى اله وسلم تسليما واللعنة الله على عداه مجمعين من الجن والإنس من الأولين والآخرين الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام رب الشحلي لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفكه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورضك توعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ما بعد

लेक्चर सीरीज़ की माह मुहर्रम हमने लेसन फ़्राम करबला की और माह मुबारक रमवान में जो है हमने आईम मासूमिन चौदह मासूमिन की लाइफ हिस्ट्री को देखा वो सारे लिंक्स लेक्चर जो अगर आपने नहीं देखे हैं वो ऊपर लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस साल इस माह मुहर्रमाज पहली माह मुहर्रम हराम है और हम फिर से एक नई लेक्चर सीरीज़ के साथ हाजिर है दस लेक्चर सीरीज़ है जिसमें हम हमारे दीन की हमारे रिलिजन की जो बेसिक्स है जो बेस है जो हमारे असूल दीन हैं उसको जो है हम इस लेक्चर में स्टडी करने की कोशिश करेंगे समझने की कोशिश करेंगे छठे इमाम इमाम जाफ़र सदक असलात वसलाम फरमाते थे कि आखिरी ज़माने में हाथ पर आग लेकर खड़ा रहना आसान होगा ईमान बचाना मुश्किल होगा इसीलिए हमारी सबसे बड़ी जरूरत है कि हम अपने ईमान को अपने अकायद को अपने बिलीफ सिस्टम को जो है स्ट्रोंग करें आज हर जगह से जो है हमारे दीन की थिंकिंग पर जो है हर जगह से अलग अलग प्रॉब्लम्स आ रही है कहीं से खुदा की एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन हो रहे हैं खुदा की मौजूदगी पर क्वेश्चन हो रहे हैं कहीं पर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसोल सहम्मदाजोलफरजहम की रसालत की एंडिंग के वो आखिरी नबी थे उस पर कुछ लोग शक करते हैं कहीं पर अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलीबन अबी तालम की पहली इमामत पर लोग शक करते हैं कहीं पर दूसरे इमामों की इमामत पर शक करते हैं और कई जगह पर जो है लोग हमारे जमाने के इमाम वलिया खुदा इमाम जमान तरज शरीफ की इमामत पर शक करते हैं तो इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज में हम यही देखेंगे कि किस तरह कोशिश करेंगे कि हम जो है अपने ईमान को समझ सके कि हमारा रिलीजन एक्चुअली क्या है हमारे उसूल क्या है हमारे प्रिंसिपल्स क्या है हमारे रूट्स क्या है और इन इस लेक्चर सीरीज में हम यही टारगेट करेंगे कि हम हमारे ईमान को मजबूत करने के लिए हम एक स्टेप बढ़ाए सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या किसी दीन की ज़रूरत है, भाई कोई रिलीजन की जरूरत है डू वी रियली नीड एनी रिलीजन बहुत बहुत ये क्वेश्चन आते हैं कि वाई डू वी नीड रिलीजन हम देखते हैं कि लोग जो है कई लोग जो है रिलीजन का मिसयूज करते हैं रिलीजन के नाम पे बहुत चीजें ऐसी करते हैं जो कभी रिलीजन में थी नहीं कभी दीन में थी नहीं तो कई लोग सोचते हैं कि की क्या सच में कोई जरूरत है इस क्वेश्चन का जवाब आप सोचिए कि फॉर एग्जाम्पल आप एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं ओके कार्स में व्हीकल्स में बाइक पे हम सब जाते हैं ट्रैफिक सिग्नल ऑल ओवर द वर्ल्ड है हर कंट्री में जब एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल पे अगर कोई ट्रैफिक पुलिस खड़ा ना हो या ट्रैफिक सिग्नल जो है बंद हो जाए तो क्या होता है देर इज पॉसिबिलिटी कि लोग जो है क्योंकि सिग्नल नहीं है कोई बताने वाला नहीं है कोई गाइड करने वाला नहीं है तो कोई भी कहीं से भी जो है अपनी कार या अपनी बाइक जो है निकालता है राइट अब ये एक छोटा ट्रैफिक सिग्नल का एग्जाम्पल था सोचो इतनी बड़ी दुनिया इतनी बड़ी कायनात, इतने सारे लोग क्या ये बिना किसी सिस्टम के बिना किसी कोड ऑफ़ लॉ के, बिना किसी एक यू you नो know, एक बेस के चल सकते हैं? क्या यह हमारी अक्ल में बैठता है क्या यह हमारे जहन में बैठता है डज इट फिट इन टू आवर माइंड के एक जब एक ट्रैफिक सिग्नल पर लोग बिना ट्रैफिक सिग्नल की लाइट के अगर वो ना हो तो के हो जाता है एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं राइट जब एक छोटे सी ट्रैफिक सिग्नल बिना किसी सिस्टम के नहीं चलता तो क्या ये पूरी दुनिया इतने सारे लोग बिना सिस्टम के चल जाएंगे इनफैक्ट जितनी दुनिया में कंट्रीज है हर कंट्री का एक सिस्टम होता है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हमारी कंट्री इंडिया में भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन है कि जिसके हिसाब से जो है लॉज बनाए जाते हैं कि जिसके हिसाब से लोगों को कंट्रोल किया जाता है तो ये प्रूव होता है इससे कि डेफिनेटली हमें एक कोड ऑफ लॉ की जरूरत है एक रिलीजन की जरूरत है जो हमें हमारी जिंदगी में हमारी लाइफ में गाइड करे कि हमें क्या करना है अब क्वेश्चन आता है कि चलो ग्रेट हम अग्री हो गए कि एक सिस्टम की हमें जरूरत है ये तो सिस्टम कौन बनाएगा आप बनाएंगे मैं बनाऊंगा बाज वाले अंकल बनाएंगे सोसाइटी के सेक्रेटरी बनाएंगे कौन बनाएगा अब अगर आप देखो दुनिया में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन हैं जितने भी लॉज हैं हर कॉन्स्टिट्यूशन हर लॉ को गवर्न करने के लिए एक पार्लियामेंट होती है हमारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पार्लियामेंट में जाते हैं नए लॉज बनाते हैं क्यूं? क्यों क्योंकि वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंसानों का बनाया हुआ है अब अगर इंसान कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है अपने टाइम के हिसाब से लॉज बनाता है अपने टाइम के हिसाब से जो है सारी जो है कानून बनाता है राइट जमाना बदलता है कानून बदलते हैं, लॉज बदलते हैं कुछ चीज जो इंडिया में कई साल पहले अलाउड नहीं थी आज अलाउड है कुछ चीजें जो इंडिया में पहले अलाउड थी आज अलाउड नहीं है क्यों हुआ क्योंकि इंसान का जो ब्रेन है वो लिमिटेड है वो एक लेवल तक सोच सकता है लेकिन अगर कोई हो कि जिसने इंसान को बनाया फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन राइट ये जो मोबाइल फोन है जब ये बनाया जाता है तो इस मोबाइल फोन की अच्छाई इसकी बुराई इसके साथ क्या क्या सही है इसको कैसे कंडीशन में यूज करना चाहिए कैसे में नहीं यूज करना चाहिए ये कौन बताता है जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरर रहता है जो मोबाइल को बनाता है वही मोबाइल को मोबाइल से ज्यादा जानता है कि बाबा ये मोबाइल में ये खराबी हो सकती है आप अगर इसको बारिश में यूज करोगे पानी में भीगेगा तो यह खराब हो जाएगा अगर पानी की बाल्टी में गिर गया राइट तो खराब हो सकता है राइट करेक्ट या फॉर एग्जाम्पल फायर के पास गया आग के पास गया तो देर इज अ चांस कि इसमें यह प्रॉब्लम हो ये वायरस का प्रॉब्लम हो सकता है ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम हो सकता है तो जो एक छोटे सी फोन का जो मैन्युफैक्चरर है वो फोन को फोन से ज्यादा पहचानता है तो जिस इंसान को अल्लाह ने बनाया है राइट यकीनन अल्लाह जो है जो हमारा क्रिएटर है वो जो है इंसानों को इंसान से ज्यादा पहचानता है अब अगर इंसान लॉस बनाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं जो है किसी एरिया का किंग हूँ फॉर एग्जाम्पल हूं नहीं सच में फॉर एग्जाम्पल मैं किसी एरिया का किंग हूं राइट अब जब मैं लॉज बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा जो मेरे दोस्त है जो मेरे पहचानने वाले हैं जो मेरी फैमिली है जब उनकी बात आएगी तो मैं उनको उनकी तरफ बायस्ड हो जाऊंगा उनको जो है ठीक है अगर कोई गलत किया ठीक है छोड़ दिया पनिशमेंट नहीं दिया राइट या अगर कुछ फेवर्स दे दिए कुछ और जो है एक्स्ट्रा उनको क्योंकि मेरे दोस्त है मेरे फैमिली वाले हैं और उसी जगह अगर कोई मेरा दुश्मन आया तो तो मैं उसको सीवियर से सीवियर पनिशमेंट दूंगा राइट यहां मेरा फायदा है वहां मेरा नुकसान है तो जहां मेरा फायदा होगा वहां पे जो है मैं लॉस को चेंज करूंगा और जहां मेरा नुकसान होगा वहां मैं लॉस को चेंज करूंगा तो वो हर इंसान अपने हिसाब से बनाएगा राइट कोई चीज है जो किसी इंसान के लिए अच्छी है फॉर एग्जाम्पल एल्कोहल शराब कुछ लोगों के लिए शराब पीना अल्कोहल पीना अलाउड है अच्छा है बेनिफिट्स बताएंगे वो आपको बहुत सारे लेकिन दीन इस्लाम में अल्लाह अल्लाहल ने मजीद में फरमाया है कि अल्कोहल और गैम्बलिंग दोनों जो है दोनों में लोगों के लिए अच्छाई है लेकिन इनकी बुराई इनकी अच्छाई से ज्यादा है इसीलिए इस्लाम में जो है अल्कोहल जो है हराम है तो अगर इस्लाम यह हमें नहीं बताता अगर एक रिलीजन हमें ये नहीं बताता कि अल्कोहल पीना शराब पीना आपके लिए अलाउड नहीं है जायज नहीं है तो बहुत से लोग जो है अल्कोहल के बेनिफिट्स को जो लोग बताते वो देख पीते लेकिन हम देखते हैं कि अल्कोहल के कितने जो है डिसएडवांटेज हैं कितनी उसकी बुराइयां हैं लोग पीकर कितनों को मारते हैं एक्सीडेंट्स होते हैं मर्डर्स होते हैं क्या क्या होता है अल्कोहल के बाद अब दीन इस्लाम ने पहले से बता दिया तो अल्लाह इंसान को इंसान से बेटर जानता है तो इसीलिए कोई चाहिए जिसने इंसान को बनाया कि वो जो है इंसान के लिए लॉज बनाए कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है यहां तक आप लोग मेरे साथ है राइट पहला पॉइंट हमने क्या देखा था पहला पॉइंट हमने देखा क्या सच में हमें दीन की जरूरत है तो हमने देखा था कि जैसे एक ट्रैफिक सिग्नल बिना किसी सिस्टम के नहीं चलता तो पूरी दुनिया एक सिस्टम के बिना कैसे चल सकती है सेकेंड हमने देखा था कि कौन डिसाइड करेगा सिस्टम अच्छा क्या चीज है बुरी क्या चीज़ है क्या सही है क्या गलत है कौन डिसाइड करेगा इंसान डिसाइड करेगा तो अपने फायदे के हिसाब से डिसाइड करेगा लेकिन अगर कोई है जिसने इंसान को बनाया है जो इंसान को इंसान से ज्यादा बेहतर जानता है अगर वो लॉज बनाएगा तो वो इंसान की अच्छाई के लिए जो है वो लॉज बनाएगा अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि क्यों हम दीन इस्लाम को फॉलो करें चलो अग्रीड के पहले एक सिस्टम की जरूरत है फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया सेकेंड क्वेश्चन की भाई चलो अब समझ में आ गया कि जो सिस्टम है वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई ऐसा हो कि जिसने जो है इंसानों को बनाया हो अब आते हैं कि चलो ये अग्रीड हो गया तो ये सिस्टम इस्लाम ही क्यों क्यों कोई और रिलीजन जो है With all due respect, सारे को को मैं respect करता हूं, बट हम हम पर जो के लिए है कि क्यों इस्लाम फॉलो करें मजीद में जिस आयत की मैंने तिलावत की लेक्चर के स्टार्टिंग में अल्लाह कहता है बसमिल्लर यह आयत योम के दिन अमीरिन इमाम अलीबन अबी तौलब की विलायत के अनाउंसमेंट के बाद जो है नाजिल हुई थी रहीम इस दिन अकमल तो लकुम दीनकुम हमने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए कम्प्लीट कर दिया वह अतम तो सारी नारी तुम्हारे लिए तमाम कर दी कम्प्लीट कर दी व रवी तो लकुम इस्लाम दीना और हम दीन इस्लाम से जो है राजी हैं अल्लाह ने जो है कुरान मजीद में क्लियर कर दिया कि दीन इस्लाम जो है अल्लाह उससे राजी है अब हम सोचे कि भाई ये तो कुरान है तो कुरान दीन इस्लाम के बारे में ही जो है बात करेगा लेकिन इस्लाम हमेशा कहता है कि जब भी आप किसी रिलिजन को फॉलो करो किसी दीन को फॉलो करो तो आप जो है सही से समझो इसीलिए उसूल दीन में जो है किसी को फॉलो करना किसी की तकलीद करना जायज नहीं है उसूल दीन हमें खुद से समझना है खुद से रिसर्च करना है हमारे टीचर्स उनसे सीखना है हमारे ओलमा है उनसे सीखना है हमें खुद समझना है कि दीन की जरूरत है तो क्यों है अल्लाह एक है तो क्यों है रसूल्ला और एक लाख चौबीस हजार नबी है तो क्यों है बारा इमाम है तो क्यों है और क्यामत आएगी तो क्यों आएगी ये सब हमें खुद समझना है ये नहीं कि भाई मैं इस्लाम इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मम्मी डैडी फॉलो कर रहे हैं मैं इस्लाम इसीलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे दोस्त बोल रहे हैं नहीं हमें खुद समझना है कि क्यों हम अल्लाह को अल्लाह माने क्यों हम रसूलुल्लाह को रसूलुल्लाह माने क्यों हम अमीरुल मोमिनीन की विलायत रखें क्यों हम हमारे जमाने के इमाम पर ईमान रखें और क्यों हम एक रोज़े क़यामत पर ईमान रखें बहुत जरूरी है कि हम खुद समझें इसीलिए कोशिश करें जो भी एज पे आप हो ट्राई कीजिए कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सही किताब पढ़ें समझे हमारे दीन को इंटरनेट पे सोर्सेज अवेलेबल है ओलमा है रेप्यूटेड उलमा है उनकी तकरीर सुने उनकी स्पीचेस सुने जो किताबें हैं जो लिखी गई है बहुत सारी अलग अलग किताबें हैं वो पढ़ें जैसे एक किताब जो मैंने खुद पढ़ी है द रूट्स ऑफ रिलीजन इंग्लिश में है <coughs> उर्दू में भी अवेलेबल है लेकिन इंग्लिश में ऑडियो बुक्स में भी अवेलेबल है जो आपको ऊपर लिंक या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी ट्राई कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम हमारे दीन को हमारे रिलिजन को समझें और अल्लाह कहता है कि इस दीन में कुरान मजीद की आयत है <coughs> ला हाफ दीन सुरह बकरा की आयत कुर्सी की आयत दी दीन में जो है कोई कंपल्शन नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं है अगर कोई इंसान अपनी अक्ल से समझे तो उसे समझ में आ जाएगा कि दीन इस्लाम जो है अक्ल पर बेस्ड है विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सारे रिलीजन किसी रिलीजन को मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता मैं दीन इस्लाम की बात कर रहा हूँ सो so, अब आते हैं कि दीन इस्लाम का पर्पस क्या है अल्लाह क़रण मजीद की एक आयत में फरमाता है कि हमने नबियों को भेजा ताकि वो जो है दुनिया में अदल कायम करे जस्टिस कायम करे दीन इस्लाम का पर्पस ये है कि लोग जो है एक दूसरे के साथ जस्टिस के साथ रहें एक दूसरे के साथ जो है कल इन हम अदल हमारा जो है आ, नेक्स्ट टॉपिक है जो हम परसों पढ़ेंगे कल इन हम तोद पढ़ेंगे कि अल्लाह है क्यों है एक क्यों है दिखाई क्यों नहीं देता तो वो सारे क्वेश्चन जो है हम कल के लेक्चर में देखेंगे आज के लेक्चर में जो है हम ये देख रहे हैं कि इस्लाम जो है अल्लाह ने इसीलिए भेजा ताकि एक सिस्टम ऐसा है कि जो लोगों के बीच जस्टिस करे लोगों के बीच जो है इनजस्टिस जो एक दूसरे के ऊपर करते हैं लोग उसको दीन इस्लाम अपने लॉस के साथ अपने एथिक्स के साथ अपने मॉरल्स के साथ अपने जो है टीचिंग्स के साथ जो तलीमत है उसके साथ जो है इस्लाम चाहता है कि लोगों के बीच कोई इनजस्टिस ना हो लोगों के बीच कोई जुल्म हो और लोग जो है पीसफुली एक दूसरे के साथ रहे चाहे वो दीन इस्लाम में बिलीव करे या ना करे रसूल जब उनकी मदीना में गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने क्लियर कर दियाजन का जैसे चर्च है राइट ज्यूस की मुसलमानों की मसाजिद है जो जिस रिलीजन का है वो अपने जो इबादत गाह में जा मस्जिद या इमाम बारगा या या सिनेगॉग चर्च जहां भी जो उसका है वहां जाकर शांति से पीसफुली अपनी इबादत कर सकता है और दीन में कोई जबर नहीं है ये दीन इस्लाम का पर्पस है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे लेकिन फिर क्वेश्चन आता है कि बहुत से लोग हैं जो रिलीजन को हेट करते हैं जो दीन से नफरत करते हैं जो दीन में नहीं मानते जो सोचते हैं कि दीन की वजह से जो है बहुत सारी बुराइयां दुनिया में है एंड उनका उनकी थिंकिंग जो है एक तरीके से सोचो तो वैलिड है क्योंकि कई लोगों ने जो दीन इस्लाम का नाम यूज कर कर इनोसेंट लोगों को कत्ल करते हैं इनोसेंट लोगों की जान लेते हैं इनोसेंट लोगों को कैद करते हैं मासूम लोगों को कैद करते हैं उनको मारते हैं बॉम्ब्लास्ट करवाते हैं ये सारे दीन इस्लाम को यूज कर कर जो है दीन इस्लाम का नाम यूज कर कर जो है ये सब काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि दीन इस्लाम में जो है स्पेसिफिकली ऐसी सब नऊजिल्ला सफरल्ला बुराइयां मौजूद है कि जिसकी वजह से वो सिखाता है कि लोगों को मारो जबकि हमने देखा कि दीन इस्लाम का पर्पस है कि लोगों के बीच जस्टिस हो कोई एक दूसरे पे इनजस्टिस ना करे जब रिलीजन को मिसयूज किया जाता है जब रिलीजन के कुछ लॉस को मिस इंटरप्रेट किया जाता है तो लोग जो है रिलीजन को हेट करने लगते हैं लोग रिलीजन से जो है नफरत करने लगते हैं और शैतान का वादा था जब अल्लाह ने जो है उसको जन्नत से निकाला, कुरान मजीद में आयत मौजूद है कि अल्लाह ने जब उसको जन्नत से निकाला तो शैतान ने अल्लाह से कहा कि मैं जो है जो लोग तेरे दीन पर है उनको बहकाऊंगा इलाइबाद का मिनहमुलमुखलसिन एक्सेप्ट कुछ लोगों के जिनको मैं बहका नहीं सकता तफासिर में, में मेंशन है कि कुछ लोग जो मेंशन किए है है। जाते हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम है मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद व अज्जिल लेकिन इनके अलावा इस्लामिक हिस्ट्री में कई ऐसे लोग गुजरे हैं कि जिन्होंने मुसलमान रहकर कर दीन इस्लाम पर रहकर कर दीन इस्लाम के कुछ लॉस को बदला या मिसयूज किया सिर्फ और सिर्फ अपने पावर के लिए सिर्फ और सिर्फ अपने रूल के लिए और ये कंटिन्यू होता गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद से लेकर आज तक और ये शैतान का वादा था कि जो दीन हक पर है उनको मैं बहकाऊंगा और इसीलिए शैतान के इस वादे में जो है कई लोग आ गए और उन्होंने दीन इस्लाम का इस्तेमाल कर कर दीन इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर कर जो है दीन इस्लाम को बदनाम किया और कई इनोसेंट लोगों की जान ली इसीलिए जरूरी है हम

ए दिलों को कंट्रोल करने वाले मैं मीनिंग समझा रहा हूँ नॉट एग्जैक्टली बट आपके लिए आपको समझ में आ जाए उसके लिए ए दिलों को संभालने वाले मेरे दिल को मेरे कल्ब को सही दिन पर साबित कदम रख या अल्लाह या मुखलू सभ्यत कलब आलिन हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम दिन में एटलीस्ट एक, एक बार या नमाज़ में कनूत में या नमाज़ के बाद जो है इस दुआ की तिलावत करें और अल्लाह से दुआ करे कि हमारे ईमान को सलामत रखे उन जैसों के जैसे मत बना के जिन्होंने दीन इस्लाम का नाम यूज कर कर दीन इस्लाम से भटक गए और दीन इस्लाम का नाम यूज कर कई इनोसेंट लोगों की जान ली और जो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है वो मुहर्रम में, में 61 हिजरी में हिजरी में करबला के मैदान में इमाम हुसैन सलाम की शहादत है क्या गुनाह था इमाम हुसैन के छह महीने के बच्चे का जनाब अली अलैहिस्सलाम का उनको जो है तीन भाल का तीर जो है लगाया गया यकीनन ये उन लोगों का काम था यजीद का यजीद की आर्मी का इब्ने जियाद का लानतुल्लाह आल इब्न मरजाना जिसे कहते हैं उमर अब लात शिमर लात आल ये सब जो लोग थे जितने यजीद और यजीद की आर्मी के लोग थे ये सब अजान भी देते थे ला ला महमद रसूल भी कहते थे दीन इस्लाम में मानते थे लेकिन दीन इस्लाम से भटक चुके थे क्या एग्जाम्पल है क्यों हम कहें कि ये दीन इस्लाम से भटक चुके थे जिस इंसान ने जिस नबी ने ये रिलिजन लाया ये दीन लाया उसी के नवासे को नबी के जाने के कुछ साल के अंदर जो है तुम उसको और उसकी आल को जो है कत्ल कर रहे हो तीन दिन भूखा प्यासा रखने के बाद इससे ज्यादा और डिविएशन दीन इस्लाम में क्या हो सकता है इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि ये लोग जो है दीन इस्लाम पर नहीं थे बल्कि भटक चुके थे इमाम को इराक से लोग लेटर लिख रहे थे कि ए इमाम हुसैन आपको मदीने से निकाल दिया गया जब मुआविया इबन अबी सुफियान जो है इस दुनिया से चला गया और यजीद जो है उसकी जगह खलीफा बना तो उसने मदीना में लेटर भेजा के इमाम हुसैन से बैत लो कि मैं खलीफा हूँ या उन्हें कत्ल कर दो अब इमाम हुसैन आलाम ने कहा क्या मेरे जैसा यजीद जैसे की बैत करेगा यजीद क्या था इनजस्टिस का मुजस्मा था इनजस्टिस का पूरा था कि उसने जो है शराब पीता था औरतों की इज्जत नहीं करता था बंदरों से खेलता था नमाज नहीं पढ़ता था लोगों को कत्ल करता था और जितने गुनाह हैं जितने हराम हैं उनको हलाल कर रहा था जितने हलाल हैं उनको हराम कर रहा था यजीद दाढ़ी नहीं रखता था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मदीने से निकाला गया इमाम मक्का पहुंचे मक्का में कुछ साल रुके यजीद ने आर्मी भेजी कि चाहे इमाम हुसैन आलम खानबा के पर्दे से लिपटे क्यों ना उनको कत्ल कर दो खान काबा में खून बहाना किसी का खून करना किसी का खून निकालना हराम है अम्न की जगह है वो वहाँ पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता कोई भी हो कोई जानवर हो कोई इंसान हो किसी को भी जो है हम वहां नहीं मार सकते और यजीद ने कहा उसी खान काबा के पास अगर इमाम हुसैन हो तो उन्हें वहीं कत्ल करो इमाम हुसैन आसलम ने अपने हज को उमरे से तब्दील किया और इमाम हुसैन आसम आठ जिल्हिजा को जो है मक्के से निकले कूफे से लोगों के खत पे खत आ रहे थे कि इमाम आप यहाँ आ जाए इमाम आप यहाँ आ जाए इमाम ने कहा कि मैं जो है लोग सोच रहे कि मैं क्या क्यों बैत नहीं कर रहा हूँ इमाम ने कहा मैं सरकशी फसाद और नाइंसाफी इंसाफ़ी करने नहीं निकला कि मैं लोगों के बीच डिस्टर्बेंस करने नहीं निकला बल्कि मैं अपने जद की उम्मत की असलाह के लिए निकला हूँ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते कि जो उनके नाना वसल्लम ने दीन लाया था उस दीन को बचाने के लिए उसकी इस्लाह के लिए इमाम जो है निकल रहे हैं और जब इमाम को इराक से खत पे खत आए इमाम ने अपने कजिन ब्रदर जनाब मुस्लिम इबन अकील को कोफा भेजा और उनको अपना सफीर बनाया अपना रिप्रजेंटेटिव बनाया ताकि वो कोफा जाए लोगों की राय समझे और जो है इमाम हुसैन सलाम को इतला करे अब जब जनाब मुस्लिम इबन अकील कोफे पहुंचे कई रवायत अलग अलग है कि कई लोगों ने जो इमाम जनाब मुस्लिम ने इबन सलाम के हाथ पर बैठ की कुछ नंबर्स 18,000 कोट करते कुछ नंबर्स कुछ और कोट करते लेकिन एक यूज नंबर ने जो है जनाब मुस्लिम ने अकील के हाथ पर बैध की और कहा कि इमाम हुसैन को जो है आप बुला लीजिए जनाब मुस्लिम इबन अकील ने इमाम हुसैन को खत लिखा कि आप जो है आ, इराक आ जाए यहाँ पर लोग जो है आपके वेलकम में रेडी है। उसी जगह पर जो यजीद के कारिंदे थे वो जो है कूफा में उन्होंने लेटर लिखा यजीद को कि अगर तुमने यहाँ कोई स्ट्रिक्ट नहीं कदम नहीं उठाया तो इराक जो है इमाम हुसैन आसम के हाथों चला जाएगा अब यजीद ने सबसे रूथलेस सबसे स्ट्रिक्ट सबसे बुरे वलदु जिना, जियाद, इबने जियाद इबने मरजाना को जो है इबिया भेजा और कहा कि जो है वहां जाओ और इमाम हुसैन और उनके चाहने वालों को खत्म कर दो और उनका जो है सर हमारे लिए भेज दो इब्ने जियाद बसरा में था बसरा से वो खूफा पहुंचा उसने जो है सबसे पहले कोफे के महल पर कब्जा किया और हम सबने मुखारनामे में देखे कि किस तरह जो है उसने जो है शियों के बीच इंतजार किया जनाब मुस्लिबील के पास से लोगों को हटाया और अकेले जनाब मुस्लिम इबिन अकील कोफे की गलियों में जो है टहल रहे थे एक दरवाजे के पास पहुंचे मोमिना तोआ के दर था वो जनाब मुस्लिम इबिन अकील ने जो है दरवाजा खटखटाया कहा मुझे जो है थोड़ा सा पानी दे दीजिए तोआ मोमिना ने जो है उनको जो है थोड़ा सा पानी दिया जनाब मुस्लिम इबन अ़ी स्ल्लाम ने पानी पिया वहीं पर बैठ गए बीबी तोआ ने कहा कि आप जो अपने घर चले जाए जमाना सही नहीं है कर्फ्यू लगा हुआ है हर जगह आप लोग जो है सेफ नहीं है जनाब मुस्लिम इबन अकील ने कहा कि जी मैं जानता हूँ तो बोले आप कौन है बोले मैं मुस्लिम इबन अक़ील हूँ बीबी तोआ ने कहा कि मैं मेरी जान आप पर फिदा हुआ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ी हैं उन्होंने जो है बीबी ने जनाब मुस्लिम इबन अकील को जो है अपने घर में जो है जगह दी पनाह दी ताकि वो जो है अपने आप को सेफ रख सके जनाब मुस्लिम इबिन अकील जो है अंदर पहुँचे चाहते थे कि एक लेटर इमाम हुसैन को भेज दे कि आप कूफे ना आए यहाँ लोग बदल चुके हैं लेकिन जनाब मुस्लिम इबिन अकील को यह मौका नहीं मिला रात भर जनाब मुस्लिम इबिन अकील ने जो है इबादत की जो तौ, मोमिना तोा का बेटा था वो इबन जियात के लिए काम करता था वो सारी रात जनाब मुस्लिम को पूरे शहर में ढूंढ रहा था रात को जब थक कर घर आया उसने देखा कि बीबी जो है वो एक रूम में जो है बार बार जा रही है आ रही है उसे शक हुआ उसने जब जाके चेक किया तो उसने कहा ये तो मुस्लिम इब्ने अकील है फौरन जो है उसने सिपाहियों को खबर की और इबनि जियाद ने एक आर्मी भेज दी जनाब मुस्लिम बिबिनि अकील को गिरफ्तार करने के लिए जनाब मुस्लिम अबन अकील को यकीन हो गया कि अब जो है उनका आखिरी वक्त नजदीक है उन्होंने जो है अपनी तलवार निकाली ताकि अपने आप को डिफेंड कर सके आर्मी पे आर्मी आती गई लेकिन एक अकेले जनाब मुस्लिम अकील बनी हाशिम के शेर थे कि जिन्होंने जो है सारी की सारी फौज को ख़त्म कर दिया वहां मोहम्मद अबिन अश आ, जो था जवादा बिन तश का भाई उसने इब्ने जियाद से कहा और आर्मी भेजो इब्ने जियाद कहता है कि और कित, एक आदमी को पकड़ने के लिए कितनी आर्मी चाहिए कहा ये बनी हाशिम का शेर है इमाम अली और जनाब हमजा के नस्ल से है उनके खानदान से है तुम्हें तो लगता है कि ऐसे ही पकड़ा जाएगा तो कहा इसे धोखे से पकड़ो एक खड्डा खोदा गया उसके ऊपर घास बिछाई गई और जनाब मुस्लिम ने अकील उस जो है गढ़े में गिर गए एक रवायती है कहीं जो मुख्तार नामे में उसमें दिखाया गया कि वो जो है सरेंडर करते हैं दो अलग अलग रिवायात हो सकती हैं जनाब मुस्लिम ने अकील को पकड़ा गया जनाब मुस्लिम इबन अकील सलाम इब्ने जियाद के दरबार में खड़े थे इब्ने जियाद ने बहुत जो है बुरा भला कहा आखिर में जो है उसने कहा कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिशात क्या है जनाब मुस्लिम इबन अकील सलाम ने कहा कि मारे साथ जो रिलेशन में होता था जनाब मुस्लिम के उमर साद से कहा कि मेरी तीन वसीयत है पहली जो है मेरे जनाजे को दफना देना दूसरी मैं जो कर्ज लिया है मैंने कोफे में वो अदा कर देना तीसरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एक लेटर लिखना कि वो कोफे ना आए लेकिन उमर साद ने जो है जनाब मुस्लिम इबन अकील की वसीयत को नहीं मानी और इबन जियाद ने ऑर्डर दे दिया कि जनाब मुस्लिम इबन अकील को महल की छत पर ले जाया जाए और वहां से जो है उन्हें कत्ल कर कर फेंक दिया जाए दारुल अमारा जो महल का नाम था कोफे में जनाब मुस्लिम इब्न अकील को उसकी छत पर ले जाया गया नौजिलहज का दिन था अगले दिन ईद का दिन था लोग खुशी की तैयारियां कर रहे थे रोज़े अरफा के दिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील को जो है अमारा की छत से फेंक दिया गया और जनाब मुस्लिम इब्न अकील जो है शहादत से पहले उन्होंने कहा असल आल क्या अब अब्दुल्ल इमाम गमगीन हो गए जनाब मुस्लिम ने अकील की शहादत वो इमाम वक्त थे उन्हें जो है इल्म ग़ैब था जनाब इमाम को फिर ख़बर मिली एक दिन कूफे से उसने कहा मौला जिस दिन मैं कूफे से निकल रहा था उस दिन जनाब मुस्लिम इब्न अकील की शहादत हुई उनकी बॉडी को जो है कूफे की गलियों में रस्सी पकड़ पकड़ के फिराया गया घुमाया गया उनके सर को कत्ल कर कर जो है महल की छत पर लगाया गया अलैहिस्सलाम जो है गमगीन हो गए उन्होंने जो है जनाब मुस्लिम इब्न अकील की जो बेटी थी उनको बुलाया उसके सर पर हाथ फेरा उसे जो है बाली पिनाई और कहा कि आज से मैं ही तुम्हारा बाबा हूँ मैं ही जो है मेरे बेटे तुम्हारे भाई हैं मेरी बेटिया तुम्हारी बहन है उनके सर पर हाथ फेरा बनी हाशिम की लड़की थी समझ गई चाचा जान क्या मैं यतीम हो गई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं मैं हूँ मैं तुम्हारा वालिद हूँ मैं कहूँगा ए मौला हुसैन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जरा ध्यान से कहीं जनाब सलामुल्लाह अलैहा खेमे से देख ना रही हो क्योंकि कुछ दिन बाद जब शाम गरीबा आएगी आपकी शहादत होगी लोग जो है यजीदी फौज जो है खेमे में आएंगे कोई जो है जनाब सकीना के सर पर हाथ नहीं फहराएगा कोई जो है उनको जो है अच्छे से शफकत नहीं करेगा यहाँ तो कोई उन्हें तमाचे मारेगा कोई उनके कान से बालियां छीनेगा कोई उनके पर आग लगाएगा। डेगा वालमदीमउून ला इन्ना, वा इन्ना वा तस्लिम इन आंसुओं के साथ हम दुआ करते हैं कि परवरदिगार परवरदेगार्जत खुदा इमाम फरमा हम सब को इमाम के नासन में शुमार फरमा हमारे ईमान को सलामत रख और हमें तोफ़ी दे कि हम अपने ईमान को मजबूत कर सके हमारी मौत जो है दीन हक़ पर कर एमरे परवरदिगार इस दुनिया से इस डेडली बीमारी को इस कोरोना वायरस को ख़त्म कर दे ताकि हम इमाम हुसैन आसम की आज़ादारी और मजलिस उसी शान शौकत के साथ कर सके जिस तरह हम पहले किया करते थे जिन लोगों की जो जो हाजात है उनके हक में जो है उन्हें कबूल फरमा जो मरीज हैं उन्हें शिफाए काबिल इनायत फरमा जो रिस्क के लिए परेशान उनके रिस्क में इजाफा फरमा हमारे ज़माने के इमाम के झूर में चील फरमा हम सबको उनके नासरीन में शुमार फरमा इनशा आज का हमारा लेक्चर कम्प्लीट हुआ कल फिर हम इसी टाइम पर शाम 5 बजे मुलाकात करेंगे और एक्जिस्टेंस ऑफ़ गॉड पर जो है हम लेक्चर जो है देखेंगे थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग वाहिरु दामाना अनिल हमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वर मुहम्मद वाली मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालै मुहम्मद व अज़ल फरज़ हम